हम लोगों ने हर एक इंतजाम रोकने का किया सामने में, गेट किसी तरह ना तोड़ा जाए। उन्होंने हम लोग कुंडी लगाया और जितने भी मेज थे बड़े बड़े सबको हमने गेट के सामने रख दिया। उन्हें दरवाजे तोड़ने में 5 से 7 मिनट लगे लगभग। उसके बाद दरवाजा तोड़ने के बाद एक लाइट चली हुई थी, उन्होंने कहा कि लड़कियां साइड हो जाओ। उसके बाद वो कहीं नहीं देखे किसी का, सर यहाँ पे सर पे चोट है, सर पे चोट है, और आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कहाँ कहाँ पैर पे मेरे टाके लगे हुए हैं, 3 पैर पे 3 टाके लगे हुए हैं। और उसके बाद आप जगह पे ऐसा भी है जो मैं नहीं दिखा सकता हूँ, इस वाले पोर्शन पे पूरा मेरा भरा हुआ लाठी से, क्योंकि हमने पुलिस से, जब मैं जामिया से लाठी से निकला बाहर, तो वहाँ मैं हॉस्टल की तरफ भाग रहा था कि मैं हॉस्टल में रहता हूँ। तो फिर उसके बाद हुआ क्या कि वो रोक लिए, उसमें दोनों बिना ड्रेस वाले थे। तो मैंने ये कहा कि भैया आपको मारना है जितना मार लो, मेरा सर छोड़ दो, बाकी नीचे जितना मारना है मारो। तो उन्होंने नीचे मारते गेट नंबर 7 तक लेके आए। गेट नंबर 7 के बाद जो वाक्य हुआ वो और उससे भयानक था। लोग वहां जब हम लोग को डिटेन किया गया 7 नंबर के पास, वो कहने लगे कि तुम कठुए हो, लात मारने लगे, अलग अलग तरह की बातें कहने लगे। फिर जब हमको डिटेन जब हुआ, आई पुलिस की गाड़ी आई, वो लेके गए हमें। और उसके बाद वहां जो एक इंडिया टीवी था, तो हमने सोचा भाई अपने सेफ्टी के लिए हम अपना जो है एक बार चेहरा दिखा देते। हमने सबसे कहा भाई एक बार अपना फोटो दिखा देना ताकि ये कहां लेके जा रहे हैं। लेकिन वहां ले जाने के बाद भी उसके बाद क्या हुआ, गाड़ी उन्होंने लगाने में लाइट ऑफ कर दिया, वहां मारने लगे लाइट इसकी कार बस के अंदर। फिर जब थाने पे ले गए, वहां से उतारे, वहां किसी को लात से लेके गए मारते हुए, और 2.5 घंटा तकरीबन हमें जो है टाइल्स पे बैठा के रखा, और कोई फर्स्ट एड नहीं, कोई पानी नहीं। हमने पानी मांगा तो पानी कहा कि तुम्हें 1 घंटे के बाद मिलेगा, और दूसरे ने कहा कि पानी चाहिए या कुछ और चाहिए ये मिलेगा। इवन की 2 साथी हमारे सीरियस थे, कहा कि सर फर्स्ट एड बॉक्स दे दिया हमने अर्जुन जी, वो भी नहीं दिया। हम अंत में यही बात कहने जा रहे हैं कि हम डरने वाले नहीं है, हम झुकने वाले नहीं है। आप जान लीजिए हमें घर की तरफ से हर एक माँ बाप के लिए अपना बच्चा बहुत प्यारा होता है। हमने अपने पेरेंट्स को किस तरह से इन्फ्लुएंस करके यहाँ तक आए हैं वो हम ही जानते हैं, और सबके पेरेंट्स जानते हैं। लेकिन आगे आने वाले दिनों में भी हमारी लड़ाई इसी मजबूत की, हमें किसी दल को बचाने या बिगाड़ने की बात नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की जो संविधान है उसको बचाने की बात है। अगर वो रहेगा बचा हुआ, संविधान हमारी बचा हुआ रहेगा, तो जाहिर सी बात है हिंदुस्तान बचा रहेगा। हिंदुस्तान बचा रहेगा तो जामिया भी बचा रहेगा, मुसलमान भी बचे रहेंगे, हिंदू भी बचे रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ इस शेर के साथ, कि सितमगढ़ तुझसे उम्मीद वफा होगी जिन्हें होगी, सितमगढ़ तुझसे उम्मीद वफा होगी जिन्हें होगी। हमें तो देखना है कि तू जालिम कहाँ तक है, हमें तो देखना है कि तू जालिम कहाँ तक है। क्योंकि पुलिस ने जिस तरह से हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, तो हम जालिम ही कहेंगे। हम इनके साथ अपनी बातों को साथ खत्म करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, हम संविधान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम भारत बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हमारी लड़ाई जिंदाबाद। अलीगढ़ के हमारे साथी जो बहुत घायल हैं वो आ नहीं सके हैं, तो जो साथी घायल नहीं है वो बात रखेंगे। ये इमेजेस हैं, आप देख लीजिए अलीगढ़ की, ये देख लीजिए आप, ठीक है। अलीगढ़ के जो साथी बात रखेंगे आप इनसे बात कर सकते हैं। वहां पर सीसीटीवी की जो फुटेज है उसकी रिकॉर्डिंग भी अपने मोबाइल पर लेकर आए हैं, जो घायल बच्चे हैं उनकी फोटो भी लेकर आए हैं और उनके डिटेल्स भी हैं। ये संक्षेप में अपनी बात रखेंगे, इसी साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी बात के बाद खत्म होगी। बाद में आप लोग इनसे सीसीटीवी फुटेज जो पूरे 3 मिनट की है वो आप इनसे ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप तमाम लोगों का जो यहाँ पर आए। मेरा नाम मोहम्मद शारिक नदीम है, मैं MSc का स्टूडेंट हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। जैसे ही हम लोगों को पता चला 15 तारीख को कि जामिया मिलिया इस्लामिया में पुलिस ने किस तरह से लाठीचार्ज किया है, उसके सॉलिडारिटी में हम लोगों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 8:30 बजे का एक गैदरिंग का कॉल दिया कि हम लोग एक पीसफुल मार्च करेंगे बाबी सैयद। फिर बाबी सैयद वहाँ का मेन गेट है, वहां तक के लिए हम लोगों ने मार्च का किया, कॉल दिया। फिर लोग इकट्ठा हुए, हम लोग प्रोटेस्ट मार्च की तरफ बढ़े। जैसे ही हम लोग प्रोटेस्ट मार्च की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद पुलिस हमें वहां गेट पे पहले से बैरिकेड लगा के रखी थी और गेट से बाहर निकलने नहीं दे रही थी। तो बहुत सारे लोग थे वो बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करने लगे, गेट के तोड़ने की कोशिश करने लगे, बाहर निकलने की बेसिकली कोशिश करने लगे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिलने का उनका डिमांड था,
क्योंकि दो दिन पहले फ्राइडे को वो ऑलरेडी एक मेमोरेंडम दे चुके थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, लेकिन वहां से कुछ रिप्लाई नहीं आया था। और दूसरी सोलिडरिटी में जो जामिया में जो हुआ कि यहाँ पे फायरिंग हुई है, इसके लिए वो लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। फिर पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज कर दिया, बहुत बुरी तरीके से लाठी चार्ज किया। अगर आप लोग वहां पे इंटरनेट की सेवा बंद हो गई थी, कुछ रिपोर्टर्स वहां पे थे, उन लोगों को उनके पास फुटेज वीडियो वगैरह है, बाकी वहां पे टोटल पूरी तरीके से इंटरनेट बंद कर दी गई, वहां पे लाठी चार्ज किया गया, पुलिस अंदर घुस गई कैंपस के अंदर, जो मतलब पता नहीं वो कैसे घुसी, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। बाद में अगले दिन रजिस्ट्रार साहब और वीसी साहब बोलते हैं कि हमारे परमिशन से अंदर घुसी है। ये बहुत शेमफुल बात है उनके लिए कि वो बोलते कि हमारे परमिशन से अंदर घुसी। और वो फिर एक बात करने का एक तरीका शुरू हुआ, पुलिस ने टीयर गैस फेंकना शुरू किया, और वो टीयर गैस वो भी जो एक्सपायर कर गया 2015 में, उसका भी मेरे पास क्लिप है और फोटो है। जैसे ही उन्होंने टीयर गैस फेंका तो और उसके बाद ओपन फायरिंग भी करनी शुरू कर दी। एक पिस्टल लेकर के एक पुलिस वाले हैं वहां पे, वो गोली, एक रिसर्च स्कॉलर हैं तारिक भाई जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के हैं, जिनके हाथ में लगी है, जिनका फोटो अभी नदीम सर दिखा रहे थे, उनकी चारों उंगली जा चुकी थी, आखिरी उंगली बची हुई थी सिर्फ, उनको ऑपरेट करना पड़ा और उनका पूरा यहां से हाथ काटना पड़ा। वो जेएनएमसी में भर्ती थे, तकरीबन 60 लोग जो वहां पे इमरजेंसी में भर्ती हुए थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उस दिन। उसके बाद हम लोगों ने बात करने की कोशिश की पुलिस से कि चलिए हम लोग बात करते हैं हम लोग वो, लेकिन वो एक ट्रिक था पुलिस का, उन्होंने जैसे ही हम लोगों से बात करने की दोबारा कोशिश की, दोबारा से वो लोग हमें डिटेन करना शुरू कर दिया और पकड़ पकड़ के तकरीबन 10 लोगों को पहले उन्होंने डिटेन किया। फिर जैसे ही हमें पता चला कि ये लोग डिटेन कर रहे थे, हम लोग भागने लगे, हम लोग भाग भाग के अपने अपने हॉस्टल की तरफ घुसने लगे। फिर उसके बाद पुलिस हॉस्टल के अंदर घुस गई, हॉस्टल के अंदर हम लोगों ने अपना गेट बंद कर दिया कि बाहर नहीं निकलेंगे, तो वो लोग कांच से खिड़की के कांच तोड़ करके टीयर गैस अंदर डाल दिया, जिससे मॉरिसन कोर्ट हॉस्टल है आफ्ताब हॉल के अंदर, जिसका 48 नंबर कमरा, जिसमें मेरा एक रूममेट है मेहदी रिजवी, जो मतलब टॉपर अपने क्लास का और कभी किसी प्रोटेस्ट में नहीं जाता, उस दिन भी उस प्रोटेस्ट में नहीं था, वो आग लगने की वजह से उसके कमरे को पूरे जला दिया गया, वो बाहर निकला और वैसे ही उसको पुलिस डिटेन करके मारते हुए लेके गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज अगले दिन हम लोग प्रोवोस्ट ऑफिस से निकलवा पाए बहुत मुश्किल से, जो सीसीटीवी ऑथेंटिक फुटेज है जो नदीम सर बता रहे थे वह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसके साथ पूरे दिन 32 लोगों को तकरीबन हमारे हिसाब से और पुलिस के हिसाब से 24 लोग थे, उनको डिटेन करके रखा गया कल पूरे दिन। आखिरकार शाम में उनको छोड़ा गया, जिसमें से बहुत सारे लोगों को बहुत बुरी तरह से चोट लगी है, अभी भी उनका एमआरआई वगैरह हो रहा है जेएनएमसी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। हमने कोशिश की कुछ लोग यहां आ पाए, लेकिन बहुत ज्यादा उन लोगों का प्रॉब्लम था तो वो आ नहीं पाए, सबके घर वाले उनको लेके जाने के लिए आ गए हैं। दूसरी चीज, सबसे अहम चीज ये है, इसके साथ के साथ सबसे शेमफुल बात यह है कि रजिस्ट्रार और वीसी यहाँ पे जामिया में, एटलीस्ट मैं एक चीज बोलता हूँ कि कम से कम रजिस्ट्रार ने ये बोला कि हमारे परमिशन के बिना पुलिस आई वहां पे, वो लोग ये बोलते हैं कि हम लोगों ने परमिशन दिया, वो लोग बोलते हैं कि बाहर के लोग अंदर घुसे थे, बाहर के जबकि कोई नहीं था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को पिछले एक हफ्ते से पूरा ब्लॉक कर दिया गया था, आईडी कार्ड के बिना कोई इंटर नहीं कर सकता था वहां पे, सिर्फ कॉमन स्टूडेंट थे वहां पे। तो मैं ये बोलता हूँ कि वो लोगों ने कैसे परमिशन दे दिया स्टूडेंट को, इसकी जांच होनी चाहिए, और उनको कौन परमिशन देता है कि हॉस्टल के अंदर घुस करके कॉमन स्टूडेंट को रैंडम पिक करके लेके जाएंगे। तीसरी बात, रात के रात उन्होंने सस्पेंड कर दिया, 5 तारीख तक सारी क्लासेस, सारा एग्जामिनेशन सब कुछ सस्पेंड कर दिया। सुबह तक उन्होंने बोल दिया कि अब एएमयू के ऊपर सारा कुछ स्टेट अब पावर देगा, हम लोग इस पे से अपना पावर हटा रहे हैं, अब जो भी है वो पुलिस संभालेगा, इसके बाद कोई भी प्रोटेस्ट होगा वो पुलिस डायरेक्टली उसको हैंडल करेगा, हम लोग उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। और इसके साथ पूरे सारे हॉस्टल्स खाली करवा दिए गए हैं। मैं कश्मीरियों के लिए एक बात रखना चाहूंगा, सबसे ज्यादा जो दुश्वारी हुई कल मैं उसी में आया हूं, कश्मीरियों के साथ दुश्वारी हुई क्योंकि कश्मीरियों को भी बोला गया लड़का लड़की सबको के हॉस्टल कल के कल 10 बजे तक खाली कर देने के लिए। वहां पे अभी के डेट में बहुत सारे लोग अभी भी फंसे हुए हैं, कुछ लोग मतलब वहां पे डाइनिंग बंद कर दिया गया है, कुछ लोग रूम में रह रहे हैं, किसी किसी के फ्लैट में रुके हुए हैं, हॉस्टल में जबरदस्ती रुके हुए हैं, लेकिन उनको खाने को नहीं दिया जा रहा है। और लास्ट में रजिस्ट्रार साहब ने उनको कुछ लोग बात हुई लास्ट में, तो उन्होंने बोला है कि गाड़ी आएगी और उन लोगों को जम्मू तक पहुंचाया जाएगा। तो मेरा कहना यही है कि हम लोग ये डिमांड करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से कि रजिस्ट्रार और वीसी के रिजिग्नेशन की डिमांड करते हैं। जो पुलिस ने ब्रुटली जो अटैक किया हम लोगों के ऊपर कॉमन स्टूडेंट पे, एक पीसफुल मार्च हम लोग कर रहे थे, सॉलिडरिटी के ऊपर मार्च कर रहे थे, बार बार टारगेट किया जाता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया मुस्लिम यूनिवर्सिटी को। तो इसी के साथ मैं अपनी बात यहाँ पे खत्म करना चाहता हूँ और इंकलाब जिंदाबाद के साथ। दो छोटी सी क्लिप है, एक बार आप
चले गए। ये सारी सूरत हाल थी, ये रिपीट भी हो सकती है, लेकिन इन सब के बावजूद सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, यहाँ पे बहुत से लोगों ने आर्टिकल कहा, लेकिन हम उसको अभी भी बिल मानते हैं, क्योंकि जिस तरह से वो पास किया गया, कोई भी बिल संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ, बेसिक स्पिरिट के खिलाफ अगर पास होता है तो हम उसको आर्टिकल नहीं मानने वाले, और इसके खिलाफ हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जामिया और एमयू में जो हमला हुआ है, संस्थागत जो हमला किया गया है, उसके विरोध में और सीएबी लाए जाने के विरोध में 19 तारीख को हम लाल किले से शहीद पार्क तक मार्च निकालेंगे, और ये प्रोग्राम 200 जिलों में होगा, जिनकी लिस्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे। उसके साथ साथ एक बात जो इम्पोर्टेंट और है, जो दो महिलाएं जामिया के, तीसरी महिला के साथ जो दो लड़कियां और जिनके जिनके वीडियोज आप लोगों ने देखे होंगे, वो इस पूरे आंदोलन का चेहरा बनी है, उनको मीडिया के एक सेक्शन ने उनपे उनकी ऑथेंटिसिटी पे सवाल उठाए। आज जब हमने बुलाया तो वो इतने डर गए हैं मीडिया के इस सवाल उठाने पर, जिन्होंने आने से मना किया, लेकिन उम्मीद ये है कि उनके तमाम दोस्तों को आपने सुना होगा, उससे आपका जो परसेप्शन बिल्डअप हुआ होगा वो रिमूव होगा, और आप एक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की तरह अपनी जो बेसिक ड्यूटी है उसको अंजाम देंगे, और जो ऑफ इंडिया या फेक न्यूज से जो खबरें निकलती हैं उनको अपने दिमाग में जगह या अपने संस्थान में जगह नहीं देंगे, क्योंकि वो दोनों महिलाएं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होती हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मीडिया का एक सेक्शन हमारे जामिया स्टूडेंट्स होने पे ही सवाल उठा रहा है, और ये कह रहा है कि ये लोग कहां से आ गए। ये चंदा यादव उनके साथ थी उस समय, वो भी जामिया के स्टूडेंट्स हैं और ये भी जामिया के स्टूडेंट्स हैं और केरला के रहने वाले हैं। वो लोग इतना डरे हैं कि एक आध मीडिया हाउसेस से उन्होंने अकेले में बात करी है, बीबीसी से और बरकादत से, उसके अलावा वो मारे डर के नहीं आए। तो अब आपको भी एक बार ये अपना इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि विक्टिम पुलिस से तो डर ही रहा है, कुछ कुछ विक्टिम ऐसे हैं जो मीडिया से बात करने भी डर रहे हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा। धन्यवाद।